घर्षण अथवा फ्रिक्शन। क्या आपको फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? क्या आपको इसका कारण पता है? कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगा हो। इसका कारण है घर्षण। घर्षण एक प्रकार का बल है जो सदैव लगाए गए गति के विरोध करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में चिकने होते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों के अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर घस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस अन्य अंतःबंध पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। घर्षण दो प्रकार के होते हैं। किसी स्थैतिक वस्तु को अगर कुछ गति देनी हो तो उस पर हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। इस बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। गतिशील वस्तु पर भी कुछ घर्षण का बल लगता है, इसे सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण का माप उस वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता। सर्पी घर्षण सदैव ही स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। घर्षण के कई फायदे व नुकसान हैं। घर्षण के बिना कोई वस्तु गति आरंभ कर दे वह कभी नहीं रुकती। यदि घर्षण न होता तो न हम दीवार पर कील ठोक पाते, न हम पेंसिल से लिख पाते, यहाँ तक कि हम सड़क पर बिना घर्षण के चल भी नहीं पाते। घर्षण हानिकारक भी होता है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वो पेंच, बॉल या जूते की सोल ही क्यों ना हो। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम मैचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ पर रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में घर्षण बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कबड्डी के खिलाड़ी व व्यायामी अपने हाथों में मिट्टी या कोई और रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि वे अच्छी पकड़ बना सके। वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो यह पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देती है और पहिया रुक जाता है। कुछ स्थितियों में घर्षण घटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तेल, ग्रीस, पाउडर जैसे पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है, ये घर्षण घटाते हैं। साइकिल की गतिशील भागों में ग्रीस लगाना और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना इसके उदाहरण हैं। आपने भारी सामानों पर रोलर देखे होंगे। ऐसे सामानों को खींचना आसान होता है। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लॉटनिक घर्षण कहते हैं। लॉटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लॉटन करना सदैव ही आसान है। इसी कारण ज्यादातर मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। आप जानते ही हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इस प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी घर्षण बल लगाते हैं। किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तरल में घर्षण बल पार करने की प्रक्रिया में ऊर्जा नष्ट होती है, अतः घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। धन्यवाद।